होम मिनिस्टर कौन है? राह चलते कुछ छात्रों के सामान्य ज्ञान का मजाक बनाता ये वीडियो शेयर करते हुए जब सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार दो अभियान का भी मजाक उड़ाए जाने लगा कि मोदी से जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तो कंगना रनौत ने भी इस वीडियो को शेयर किया और मजाक उड़ाने वालों के समर्थन में आ गई। कंगना रनौत ने जो छात्र दिन रात मेहनत करके भर्तियों की तैयारी करते हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, अनेकों ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने देश को बनाने के लिए बलिदान दिया। आज भी देश को एकजुट रखने के लिए बहुत लोग संघर्ष करते हैं। मैं अपना बहुत समय और ऊर्जा ऐसे लोगों को जानने में लगाती हूं और भारी विरोध का सामना भी करती हूं। जब मैं ऐसे बंदरों को देखती हूं तो हैरान रह जाती हूं कि क्या ये जॉब डिजर्व भी करते हैं। कंगना रनौत को जवाब देते हुए एक युवा ने कहा, बेवकूफ कंगना को समझना चाहिए कि ये छात्र वो नहीं है जो SSC, UPSC, CGL, CHSL और PCS आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जो छात्र ऐसे एग्जाम देते हैं वो ऐसा सामान्य ज्ञान अपनी उंगलियों पर रखते हैं, वो किताबों को ही खाते पीते और सोते हैं। वहीं एक और युवा ने कंगना रनौत को करारा जवाब देते हुए कहा, तुम मजाकिया डिफेंस में आ जाती हो जब लोग मोदी से कुछ देने के लिए सवाल करते हैं। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा नहीं किया? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि उन्होंने ऐसे बंदरों को नौकरी देने का वादा किया था? क्या तुम चाहती हो मोदी जी युवाओं को बेरोजगार रहने दें? वहीं एक और युवा ने कंगना रनौत को जवाब देते हुए कहा, अच्छा होगा कि तुम जाओ और उन छात्रों का इंटरव्यू लो जो गाँव में रहते हैं और जो SSC, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी करते हैं। उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करो जो भूखे पेट इस उम्मीद के साथ इतनी मेहनत करते हैं कि एक नौकरी मिल सके, लेकिन मिल नहीं पाती क्योंकि रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। कुछ छात्रों का इंटरव्यू लेकर मोदी रोजगार दो का नारा बुलंद करने वाले छात्रों का जिस तरह कंगना रनौत ने मजाक बनाया है, वो कंगना जैसी अभिनेत्रियों से सवाल पूछता है कि क्या आप वाकई राष्ट्रवादी हैं जो युवाओं के दर्द को मजाक में उड़ा रही हैं। कंगना रनौत को अगर वाकई देश की चिंता है तो मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि आखिरकार एक भर्ती पूरी होने में क्यों सालों लग जाते हैं। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए SSC की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है, ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो हंसेंगे, ये क्या हो रहा है देश के। जिन सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन को लेकर कंगना रनौत ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उनकी तरह नौकरी की चिंता में न जाने कितने छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे रो रो के बंदे ये कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, पैसा माँ बाप भेज रहे 2 साल 3 साल घर वालों पे, वहाँ पे जाते ही पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तेरी तैयारी क्या हो। जब वो 200 नंबर ला रहा है, जब नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो कब होगा उसका सिलेक्शन। जिसके पास इतना पैसा था सुशांत सिंह राजपूत, वो मर सकता है, और उसके चक्कर में 3 महीने तक न्यूज चैनल डेली सुबह शाम ट्विटर पे उसको अभी तक नहीं दिखाया गया। 7 से 10 लाख लोगों यूथ ने बेरोजगारी पे इतना कुछ कह दिया, मगर अभी तक हमारे टीवी चैनल में किसी ने कुछ नहीं दिखाया। और अगर यही चीज कंगना रनौत कुछ भी एक कमेंट कर दे, एक ट्वीट कर देगी, तो उस पे वो 10 बार सुबह से लेकर कंगना ये कह दिया, कंगना ने वो कह दिया। कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री और सोशल मीडिया पर युवाओं के नौकरी मांगने का मजाक बनाने वालों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।